देश में ज्योति मौर्या का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरिया में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पति अपनी पत्नी के बरामदगी के लिए दर दर भटक रहा है। कभी बिलक बिलक कर रोता है तो कभी आवेदन लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। पति का कहना है कि उसने कर्ज लेकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और A&M बनाया, लेकिन अब पत्नी उसके साथ धोखेबाजी कर बेटे समेत लापता हो गई है। लाचार पति गुरुवार को अपनी पत्नी की सकुशल बरामदगी को लेकर गुहार लगाने साहिबगंज SDPO के कार्यालय में पहुंचा, जहां पीड़ित पति कन्हाई पंडित ने बताया कि उसने साल 2009 में बोरियो के तेलो बाथन टोला गांव के राजकिशोर पंडित की बेटी कल्पना कुमारी से विवाह किया था। उसका एक 10 साल का बेटा भी है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ ट्रैक्टर चलाने का काम भी करता था। उसकी पत्नी कल्पना मैट्रिक तक पढ़ी लिखी थी और घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने कहा कि उसको पढ़ाई करवा दीजिए, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी कल्पना को बोरियो कॉलेज से पहले इंटर की पढ़ाई पूरी करवाई, फिर कर्ज लेकर उसने जमशेदपुर में A&M की ट्रेनिंग भी दिलवाई। इस दौरान उस पर काफी कर्ज हो गया, तब वे अपनी पत्नी के कहने पर ही कमाने के लिए गुजरात चला गया। वही पत्नी कल्पना साहिबगंज के जोमावती अस्पताल में A&M की नौकरी कर ली। पति ने गुजरात से ही कमा कमा कर अपने कर्ज को खत्म किया था। इधर होली के पहले जब वो अपने घर लौटा तो पत्नी का हाव भाव बदला बदला पाया। पूछने पर पत्नी ने कहा कि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तब मैं पत्नी को लेकर अपने ससुराल गया और सास ससुर को इसकी जानकारी दी, वहाँ से किसी तरह समझा बुझा कर वापस लाया था। इस बीच 14 अप्रैल को पत्नी मायके जाने की बात का कहकर घर से निकली और बेटा समेत लापता हो गई। उसने अपनी पत्नी और बच्चे की काफी खोजबीन की, अपने ससुराल में भी जाकर पूछताछ की, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। पति ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पत्नी कल्पना मुझे धोखा देकर किसी दूसरे प्रेमी के साथ रह रही है। मेरा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। कितना साल का बेटा है? 10 साल के हमारा लड़का है। क्या हुआ बताइए? हुआ का तो बोल रही थी कि पढ़ेंगे तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम थे, मेरे पास पैसा नहीं था तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे, तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो साँस दिया तो बोले ठीक है, देखेंगे जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए घर के देखते हुए चलाते हुए और इनको पढ़ाए लिखाए। कहाँ पर पढ़ाए? कॉलेज में, बोरियो कॉलेज। अच्छा, फिर वहाँ पर अथी पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे A&M का पढ़ाई। तो हम बोले उतना 2-3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे, तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए लेबर काम करके। और कर्जे में 1.5-2 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे, तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए अब बाहर से कमा के भेजिएगा तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनका पापा मम्मी भेज दिया साहेबगंज के, तुम जाओ और नर्स के काम ट्रेनिंग करो। उसके बाद नर्स के ट्रेनिंग, कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी? यहाँ जुमावती में। फिर क्या हुआ? जुमावती में यहाँ पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम तो उनका बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको और तब इनका अथी ले गए अथी तेलो, वहाँ पर विचार हुआ। विचार होने पर भाई सब बोला का कि नहीं इस तरह नहीं होगा, अभी छुटा छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छुटा छुट्टी करा देंगे और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है, हमारा भी दिमाग उड़ गया कि का बोलने लगा इन लोग। तो भाई सब जबरदस्ती भेज दिया, हमको सताना चालू कर दिया। 5-6 दिन सता लिया, हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए बोरियो में। एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले एडमिशन करवा दिए और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला का जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया और उसके बाद फिर लौट के घर हमारा पास नहीं आया, हमारा पास अति तबीयत खराब था उसे। कब गई थी पत्नी? 14 अप्रैल। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़ित पति ने न्यायालय में शरण ली है और परिवाद भी तैयार किया है। पंजाब की CCTV के लिए साहिबगंज से पंकज वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।